नारायण शास्त्र आपको गाइड कर रहा है कि हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण जब ईश्वर ने अपने हाथों में दे रखा है तो कैसे निर्माण करें उसका, सीधा सरल उपाय देख लीजिए। व्यक्ति, वस्तु, धन, जगह, वातावरण, परिस्थितियां, हमारे इर्द गिर्द यही है। इसके अलावा कोई है तो बोल दो। हाँ, बहुत सहज सरल भाषा में कह रहे हैं आपको कि इन चीजों के लिए, व्यक्ति, वस्तु, धन, जगह, वातावरण, परिस्थितियां, जिस शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे ये वैसा रूप दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा ये वस्तु बहुत अच्छी है, वस्तु के पॉजिटिव गुण आपके सामने आ जाएंगे। जगह, जगह में पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऊर्जाएं होती है, बताया, और 50-50% इक्वल है और सुप्त अवस्था में है। जब आप कहते हैं कि जगह मेरे लिए भाग्यशाली है, वो जगह पॉजिटिव एनर्जी उसकी एक्टिवेट हो जाती है, वो जगह आपके लिए भाग्यशाली बन जाती है। कितना ही आपको कोई आके बोले वास्तु दोष है इसमें, यदि आप कह रहे हैं, आप रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जगह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, तो भाग्यशाली ही रहेगी वो। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, यदि आपने इस क्षण से कहा परिस्थितियां मेरे अनुकूल है, घर जाकर देख लेना, बहुत लंबा छोटा समय नहीं मांग रहे आपसे, यदि सोच भी लिया आपने वातावरण मेरे अनुकूल है, ये संदेशा भेज दिया आपने वातावरण को, वातावरण आपके अनुकूल होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरे लिए भाग्यशाली है, यदि आप अपने विरोधी के लिए भी कहेंगे व्यक्ति मेरे लिए भाग्यशाली है, वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। उसको जाके बोलने की जरूरत नहीं है, यदि सोच भी लेते हैं। नारायण शास्त्र बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बता रहा है आपको कि इन चीजों के लिए, व्यक्ति, वस्तु, धन, जगह, परिस्थिति, वातावरण के लिए, जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे वैसे बन जाएंगे। जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे वैसे ये बन जाएंगे। अब आपके हाथ में है कि किन शब्दों का हमें प्रयोग करना है। ये व्यक्ति मेरे अनुकूल है, थोड़े समय बाद में देखिए आपके अनुकूल हो जाएगा। वस्तु मेरे अनुकूल है, उसमें हमें विशेष ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें भी थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस हैं। एक जगह तो हम कह रहे हैं, एक बज गया मतलब तुम आ गए क्या, वस्तु अच्छी नहीं है पर जगह अच्छी है। आपने कहा ये चीज अच्छी नहीं है पर ये जगह अच्छी है। ध्यान से समझ लीजिए बात को। एक चीज के लिए आप कह रहे हैं अच्छी है, एक चीज के लिए कह रहे हैं अच्छी नहीं है, ये दोनों वस्तु और जगह कंफ्यूजन में आ जाएगी कि किसे अच्छा कहा किसे बुरा कहा। इसलिए हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, सबको अच्छा बोलो।
एक ही चॉइस है। समझो कोई वस्तु आपके पास आई, आपके काम की नहीं है या आपके पसंद की नहीं है, फिर भी आपको कहना है बहुत अच्छी है, इसके काम आ जाएगी, मेरे लिए तो ठीक है ना, इसके तो काम आ सकती है ना, किसी ने किसी के तो काम की है, अच्छा उसको गिफ्ट दे देंगे। आपने क्या किया? पॉजिटिव ऊर्जा को ही जनरेट किया। आपने कहा अच्छी है, इसके काम की है। आपके पास दूसरी आपके लायक वस्तु आ जाएगी। और आपने कहा मेरे काम की नहीं है, बेकार है, आती हुई वस्तुएं रुक जाएगी, किसको नहीं चाहिए, इसके काम की नहीं है। सारा जादू आपके शब्दों का है। शब्द अपने भीतर असीम ऊर्जा समेटे हुए हैं, और जो ही हमारे मुख से निकलता है वो तरंगे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है वैसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। इनायत खान तो कहते हैं, कोहिनूर हीरे से भी कीमती है आपके मुख से निकले हुए शब्द। तो अभी आपके पास एक ही चॉइस है कि हर व्यक्ति अच्छा है, मेरे अनुकूल है, मेरा वेल विशर है। क्योंकि यदि इनमें से आपने एक के लिए भी नकारात्मक सोचा, बोला, सब पर असर होगा। समझ लगाए? चलें आगे। हर नारायण ने जब भेजा है हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जगह, वातावरण, परिस्थितियां हमारे अनुकूल ही भेजी है। और यदि नहीं भी भेजी है तो आपको सामर्थ्य दे रखा है कि बोल बोल के अनुकूल करवा लो, अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है, बोल बोल के करवा लो। एक ताली आई,